ये इंटरिम बेल में अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर निकला, ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पिटस देगा, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस का जो कैंपेन है उसको और भी जोरदार करेगा। ममता बनर्जी की आगे कोशिश हो सकती है कि वो किसी भी तरह से बंगाल के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बुला पाए और उनके साथ मंच साझा कर पाए। लेकिन केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सिर्फ टीएमसी खुश नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भी फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली की 7 सीट में से 4 पर आप लड़ रही है, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं हरियाणा में 10 सीट में से 9 पर कांग्रेस मैदान में है और गठबंधन के तहत 1 सीट आपके पास है। इन दोनों ही जगहों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इन दोनों ही राज्यों में 2019 में बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है, ऐसे में केजरीवाल इन दो राज्यों में धुआंधार प्रचार करेंगे तो आपके साथ साथ कांग्रेस को भी लगता है कि इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है। पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। विपक्ष के चश्मे से देखें तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत गठबंधन के लिए फायदे का फैसला है, और ऐसे में गठबंधन में शामिल हर पार्टी यही चाहेगी कि इसका कुछ लाभ उसे भी जरूर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। 1 जून यानी 7वें और अंतिम चरण का चुनाव। 1 जून को ही पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। यहां आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं है, बल्कि अकेले ताल ठोक रही है, और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद पार्टी को उम्मीद है कि इसका सकारात्मक असर नतीजों में दिख सकता है। इसीलिए पार्टी का हर नेता कह रहा है कि अब केजरीवाल का कमाल दिखेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कोई कमाल नहीं दिखेगा। मैंने कहा था ना, मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। अरविंद केजरीवाल जी के शरीर का कतरा कतरा इस देश के लिए समर्पित है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो एक मिनट तो क्या, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, ये इस बात का द्योतक है कि बदलाव की शुरुआत हो रही है, तानाशाही का अंत हो रहा है। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख भी वहां पर आ जाओ। जो देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके खिलाफ देश लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से वो लड़ाई और मजबूत होगी और इस देश से तानाशाही खत्म होगी, संविधान और लोकतंत्र जीतेगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। प्रचार करने की अनुमति मिली और उसके बाद फिर वहीं जाना है, तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं, और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल।